जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आजकल सभी को पता है वेदाज आर द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी, और इसीलिए कुछ लोग इस बात का फायदा उठाने के लिए जाकिर नाइक जैसे कुछ बड़े, कुछ मुस्लिम, कुछ इस्लाम परस्त, कुछ कट्टरवादी सोच वाले वेदों में ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वेद के कुछ मंत्रों में जो मोहम्मद सल्लासुल अर्थात जिसको नबी कहते पैगंबर कहते उसका नाम आया है, और कुछ अनर्गल मंत्र उसमें देते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रकार से झूठी बातें और झूठे अपने मनगढ़ंत जो बातें कहते हैं और बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, सीधा सीधा आपको समझाऊंगा। और आज मेरे पास वेद भी है और मेरे पास कुरान भी है, कुरान की भी जांच पड़ताल करूंगा बहुत ही संक्षिप्त समय में। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जाकिर नाइक की। नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ये वीडियो जाकिर नाइक की देखी, इसमें वो कह रहा किताब नंबर 20 अथर्ववेद की। दोस्तों किताब नंबर 20 है ही नहीं अथर्ववेद की, केवल दो ही पुस्तक है जो आपको ऊपर इसमें दिख रही होंगी। और यदि मान लिया जाए इन दो पुस्तकों के कुछ टुकड़े कर दिए जाएं, छोटे छोटे हिस्सों में यदि इनको बांट दिया जाए और 20 किताबें किसी प्रकाशक ने छाप भी दी हो, उसका नाम नहीं बताया इसने, उस प्रकाशक का नाम नहीं बताया, खैर यदि 20 पार्ट में उसको बता भी दिया और उस पे 20वें पार्ट का उदाहरण दे रहा है हिम नंबर 127। दोस्तों अथर्ववेद में हिम नंबर होते ही नहीं है, ये बिल्कुल बरगला रहा है टोटली। इसमें जो है कांड होते हैं अथर्ववेद में, और अथर्ववेद में 21 कांड है और ये 20 नंबर पुस्तक बता रहा है। मान भी लिया जाए ये पुस्तक 20 नंबर हो सकती है तो उसमें हिम नंबर कहां से आ गए, हिम नंबर है ही नहीं अथर्ववेद में। तो ये यहीं से बिना सिर पैर की इनकी बातें शुरू हो गई। जब हिम नंबर ही नहीं है तो जो मंत्र संख्या इसने बताई 114 127 हिम नंबर ही नहीं है तो 114 जो मंत्र संख्या बताई है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अथर्ववेद का जो इसने उदाहरण दिया बिना सिर पैर वाला और बिना किसी उदाहरण के, बिना किसी पुस्तक को सामने लिए, जबकि हम कुरान की अभी बताएंगे पुस्तक सामने रख के कि किस आयत में क्या बातें लिखी है। अगला देखिए दोस्तों, इसकी वीडियो देखिए, ये कह रहा है सामवेद में आपको ऊपर दिखाई देगा मंत्र उत्तरचिक का 1500 मंत्र बोल रहा था और इसके इसके बारे में बोल रहा था, इसमें मोहम्मद साहब का जिक्र है। अब आप देखिए इसमें है या नहीं। आह मिथ्ये पितुष्परि मेधा मृतस्य जग्रह अहम सूर्य इवाजनी, इसका सामान्य अर्थ है कि जो मनुष्य परमपिता परमात्मा के वेद ज्ञान को प्राप्त करता है वही संसार के सभी मनुष्यों को ज्ञान दे सकता है और सूर्य की तरह प्रकाशित कर सकता है। इस मंत्र का इतना सामान्य से अर्थ है, इसमें कहां मोहम्मद जो है सल्लासुल का जिक्र है। ये इतने बिना सिर पैर की झूठे आदमी मंच पर खड़े होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जाकिर नाइक जैसे। तो आगे देखिए दोस्तों, इसमें अब देखिए दोस्तों, इस झूठे ने कहा है जो यजुर्वेद है उसके 21वें अध्याय के 18वें मंत्र में जो है मोहम्मद साहब का नाम आया है। अब देखिए, देव्या होतारा भीषजेन्द्रेण सजुजा युजा जगति छंद इंद्रिय मन्वान गौर्य वयोदधु, इसका सामान्य अर्थ ऊपर आप देख लीजिए कि जैसे वैद्य होता ना, वैद्य जिसको आजकल डॉक्टर कह देते हैं, वो अपने और दूसरों के रोग मिटा देता है और उनको सुख देता है, उनको ऐश्वर्यवान बनाता है, उसी प्रकार से सब मनुष्यों को सबको सुख देने चाहिए। अब इसमें कहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया, नबी का नाम आ गया, इतने महा झूठे आदमी। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्स नंबर 10 में, आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है, अथर्ववेद किताब नंबर 20 के बारे में बता रहा अध्याय नंबर फलाना अध्याय नंबर ये, और उसके बाद अन्य बता रहा था अथर्ववेद में अध्याय बता रहा है। इसमें दोस्तों आप सामान्य सी बात देखिए कि जो ये बता रहा है अध्याय और ये ऋग्वेद में और जो अथर्ववेद है इनमें अध्याय है ही नहीं, इनमें कांड है और मंडल है। तो जब अध्याय ही नहीं है तो किस अध्याय की किस मंत्र की ये बात कर रहा है, ऐसे झूठे व्यक्ति है। अब मैं आता हूं दोस्तों कुरान पर।
ये तो इन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से इनमें है या नहीं है। मैंने आपको पुस्तक से उदाहरण दिखाए हैं और मैं अब कुरान से ही उदाहरण दिखाता हूं। अब मुस्लिमों का भी कुछ परीक्षण हो जाए। इसने तो मुंह से बोला है, जबानी बोला है और सारे के सारे झूठे गलत मैंने सिद्ध कर दिए कि ऐसा कोई कहीं भी कोई मंत्र नहीं है जो इसकी बात को सही साबित करे। अब मैं जो इनकी आयत बताऊंगा कुरान से, वो कुरान का उदाहरण देकर आपके सामने उसकी फोटो बताऊंगा। जब मोहम्मद हीरा नामक गुफा में जाते थे, बराबर जाते रहते थे, तब उनको अल्लाह ने जो है वह किया। वह का अर्थ होता है दोस्तों, उन पर वह उतारी अर्थात आयत उतारी, पैगाम उनको भेजा। और पैगाम भेजने पर कहा उन्होंने, ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो। ये अल्लाह कहता है किसे? मोहम्मद से, कि ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई करो। क्या अल्लाह ऐसा है कि अपनी बड़ाई के लिए भूखा मर रहा है? तो इस प्रकार की जो है, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रही है, कुरान 74:1-7 आयत, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान ही कह रही है। इसके बाद आप देखिए, जो कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म तो बहुत पुराना है, लेकिन साफ साफ इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि जो इस मुद्दत में तकरीबन 40 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया, अर्थात 8 जो हिजरी था, 8 सन, आज से, आज 1438 हिजरी चल रहा है, आज से 1430 साल पहले, ये समझिए। तो उस समय इस मुद्दत में तकरीबन 40 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया मोहम्मद के कहने पर, अर्थात पहली बार 40 आदमियों ने पूरे संसार में इस्लाम कबूल किया। इसको समझाने के लिए ऐसा भी कह सकता हूं कि जब मोहम्मद ने, मोहम्मद को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, अनपढ़ था, तो उसने जो खदीजा थी, खदीजा बेगम, उसका जो भतीजा था, उससे कुरान लिखवाने की शुरू करवाई थी। और जब वो भतीजा मर गया था तो उसको 6 साल तक कोई कुरान लिखने वाला भी नहीं मिला था। ये इतिहास की बात है, आप कहीं भी पढ़ लेना पुस्तकों में, इसमें भी ये बात सिद्ध होती है, इसमें ये बात उस युद्ध से सिद्ध होती है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो हुनैन की जो लड़ाई थी, हुनैन की लड़ाई के बारे में, जो हिजरी 8 में लड़ी गई थी, उस समय तक, उससे 8 महीने पहले तक आयत पूरी जाकर उतरी थी। इससे सिद्ध होता है कि उनको कोई पुस्तक लिखने वाला भी नहीं मिलता था। हुनैन की लड़ाई में पूरी तरह परास्त हो गए थे, फिर कहते अल्लाह ने हमें जितवा दिया था। तो खैर, अब मैं ये नीचे आप देखिए, इनकी आयत है 29 आयत है, अल तोबा सूरा 9, अल तोबा और पारा 10 और उसका 29 है। देखो इसमें लिखा है, युद्ध करो किताब वालों में से उन लोगों के विरुद्ध जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान कौन नहीं लाता था? ना तो हिंदू लाते थे और ना अन्य कोई लाता था। तो उनके साथ युद्ध करो, ये कह रहा अल्लाह, और अंतिम दिन पर ईमान नहीं लाते उनके साथ युद्ध करो, और जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने हराम ठहराया उसे हराम नहीं करते, अर्थात जो हराम नहीं करते, जो अल्लाह ने हराम ठहराया है उस पर हराम नहीं करते, और सत्य धर्म को नहीं अपनाते, मतलब इस्लाम को नहीं अपनाते, उनके साथ लड़ो, लड़ाई करो, तब तक करो जब तक खत्म ना हो जाए या वो जजिया करना देने लग जाए डर के मारे, तब तक लड़ाई करो। ये सूरा 9, अल तोबा, पारा 10, ऐसी ऐसी कुरान में अनेकों आयत में गिनवा सकता हूँ, केवल एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताई है। कई जगह ऐसी ऐसी बातें हैं, उनमें लिखा गया, देखो अब ये है अल बकरा सूरा 2:1, इसमें लिखा है, ए पैगंबर और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और अपने कर्म ठीक कर ले, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं यहाँ जन्नत में जिनके नीचे नदियां बहती हैं, नहरें बहती हैं, उन बागों के फल रूप में दुनिया के फलों के समान हैं, और उनके लिए वहां पाकीजा पत्नियां हैं और वे वहां सदा ही रहेंगे उन पत्नियों के साथ। ये लोभ लालच अल्लाह दे रहा है पैगंबर के तहत, ये आयतें इसमें उतरी है, और ऐसी ऐसी अनेकों बातें मैं गिनवा सकता हूं। आज ही कुरान से ऐसी आयतें उन्होंने हमारे वेद से गिनवाई थी ना, जो सारी मैंने झूठी सी दिखी है, मैं इसमें से सारी की सारी आयतें, मैंने इसका उदाहरण देकर, आपने वो फोटो देखा होगा किस प्रकार से आयतें इनमें बरगलाने, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एक उस आदमी ने ये कुरान लिखी है कि जिसको ठीक से पढ़ना लिखना तक ना आता था, लोगों को शुरू से अंत तक डराया गया, घबराया गया अल्लाह के नाम पर, ताकि लोग इससे जाए ना इधर उधर और अल्लाह के नाम से डरे। ये डर का बिजनेस है पूरा, प्योर माइंड वॉश है सारा का सारा। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसमें आप अपनी तरफ से लगा लेना कि कुरान की जो आयतें हैं ये ठीक है या गलत है, संसार के लाभ के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा कि नुकसान के लिए या लाभ के लिए है,
ये सामान्य है कि आप ऐसे निर्णय कर सकते हो कि क्या ठीक और क्या गलत, लेकिन वेद की जो बातें बताई हैं, वेद को नासा ने भी हाथों हाथ लिया है, साइंस टेक्नोलॉजी और उसमें सारी की सारी ठीक ठीक बातों को नासा स्वयं कह रहा है, ऐसे हमारे वेद और उसकी झूठी बातें, किताब नंबर फलाना, वर्ष नंबर, ये ना तो उसमें किताब नंबर है, ना उसमें वर्ष नंबर है, ना उसमें श्लोक नंबर है, उसमें मंडल है और अध्याय है यजुर्वेद में, और उसमें कांड है और उसमें मंत्र संख्या है, इतनी गूढ़ जाकर वो बातें निकल कर आती है, और ये सामान्य पुस्तक ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे ये कुछ अपनी कुरान की आयतें गिनवा रहे हो। तो ये मैंने आपको बातें बताई किस प्रकार से ये लोग बरगला रहे हैं लोगों को, और जिन्होंने कभी वेद देखे ही नहीं, जिन हिंदुओं ने, जिनको पता ही नहीं वेद है क्या, वो उनकी जय जयकार कुछ होते हैं, पांच सात लोग उनकी जय जयकार ऐसे लगाते हैं जैसे उन्होंने सारा का सारा वेद सुन लिया हो उससे, अब उन्होंने वेद की शक्ल नहीं देखी और वो सोचते हैं ये तो वेद ऐसे हैं। तो आपने वेद की शक्ल भी देख ली और मेरे बताए हुए वेद के मंत्र भी आपने ऊपर देख ली और कुरान की आयतें भी देख ली। अल बकरा कुरान की आयत, इसलिए बकरा कहते हैं गाय के बच्चे को, गाय के बछड़े को अरबी में, तो अल बकरा गाय के बछड़े के ऊपर पूरी की पूरी आयत उतारी गई है इस्लाम में, इतना इनको भय है या इतना ये उससे द्वेष करते, किससे करते आप समझ लीजिएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसी मैं इससे ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि काम का ज्यादा समय ही बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों तक, उन हिंदू भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो ये सोचते हैं अरे वेद की ये बातें ऐसे ऐसे, वेद में पैगंबर मोहम्मद है, अरे ये तो 1438 साल पहले आए हैं, वे तो 1,96,53,118 वर्ष चल रहा, दक्षिणायन वर्ष ऋतु श्रावण मास चल रहा है, शुक्ल अब कृष्ण पक्ष लगा है, एक ए, ए, जो है आज प्रथमा तिथि है, इतनी गूढ़ हमारी है, ओम तत्सत श्री ब्रह्मण द्वितीय प्रारब्ध वही वसोते मनवंत्र अष्टाविंशति तमे कलयुगे कलि प्रचरण कौरंदर्शन नवती कोटिष्टो लक्षाणी त्रिपंचाशन अष्टदशाधिक सत्संवत्सरे दक्षिणायन, इतनी गूढ़ हमारी नासा ने कहा 2000 साल पहले सृष्टि बनी, वेद अभी कह रहे हैं कि 1,96,83,118 वर्ष हो गए, एग्जैक्ट हमने बताया, इतना प्राचीन हमारा धर्म और ये 1438 साल पहले आने वाले उसमें अपने मोहम्मद का नाम दिखा रहे हैं, ये मूर्खता की बात है, ऐसी बातें मानने के लिए तो का बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अब क्या कहेंगे, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे, तो ऐसे व्यक्तियों से बचे और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल थैंक्स भारत है, मैं आपका भाई राहुल आर्य, चैनल सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा जरूर कर ले, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते जी, जय श्री राम।